क्या हाल है? अच्छा, मैं ठीक हूँ। आपको वो रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट सुनने का मैं मौका वही मिला? वो सुन ही रहा था। अभी अच्छा, अभी थोड़ा टाइम मिला था तो अभी वही चल रहा था इसलिए। ओके। तो अभी तक जितना हाँ, सुना है उससे आपका क्या इम्प्रेशन बना? सब कुछ अच्छा ही है। वो तो अब बात प्रैक्टिकल वाली आती है, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, जो जैसे हम जनरेट कर रहे हैं, हाँ, वो किस बिहाफ पे जनरेट कर रहे हैं। इनपुट कॉस्ट जो है, देखिए जैसे जैसे लक्ष्य अभी आपने जस्ट ए कहा मिनट आप, जस्ट ए मिनट जस्ट ए हाँ मिनट हाँ इनपुट कॉस्ट विल बी द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। जो भी कर रहा है उसको आज के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उसे 10-20% ज्यादा मिलते हुए जो है ना उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम तय की जाएगी, नहीं नहीं ठीक है सर, ना? मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा हाँ, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी क्या जैसे क्वेश्चन? आपने आपने वीडियो बनाया, तो हाँ जैसे आपने बताया था कि लत से कि इसकी वैल्यू आपने 10,000 रखी, कि आपको 10,000 इसका मिलना है। तो हाँ वो जो 10,000 इक्वलेंट ऑफ सीएफबी पॉइंट आपको कौन इशू करेगा? सीएफबी पॉइंट विल बी इशूड बाय द चेयरमैन टेक्निकल कमेटी टिल जो है, क्योंकि वो तो उसी दिन से चालू हो गया है जिस दिन से हमने अनाउंस किया है, राइट? नहीं, वो जो जस्ट ए इशू मिनट जस्ट ए हुआ, मिनट अभी हाँ जो है वो टेक्निकल कमेटी उसको करेगी, राइट? तो वो टेक्निकल कमेटी अभी मैनुअल जारी करना चालू कर रही है अभी आज से, मतलब जो है ना जिस दिन से अनाउंस किया उसी दिन से चालू हो गया है। कुछ लोगों को वो ठीक रिवार्ड पॉइंट जारी भी कर दिए गए, ठीक है ना? तो है। बाद में जो है ना इट विल बी डन ऑटोमेटिकली विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन टेक कमेटी, क्योंकि ठीक है। उसमें ये तो आना पड़ेगा ना कि जैसे ज्यूम करी जो प्रेजेंटेशन कर रहा है वेदर इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अपलोडिंग। यदि वो अपलोडिंग के लिए यदि अप्रूव नहीं होगा तो देन पर्सन विल नॉट गेट इट, राइट? लेकिन जैसे ही वो अपलोड होता है चैनल में ऑटोमेटिकली ही विल गेट इट, राइट? या तो वो ठीक पहले है। एस्टाब्लिश ए बी सी सी कैटेगरी का हो, अदरवाइज एवरीबडी विल बी ट्रीटेड कि वो सी कैटेगरी का है, राइट? वहां पे क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन के आधार पे ही विल बी देन अपग्रेडेड टू बी और देन अपग्रेडेड टू सी, सॉरी ए, राइट? तो अब ए बी सी पे पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सामने वाला ऑलरेडी एक्रेडिटेड पर्सन है और आपने कहा कि नहीं साहब ये तो बी कैटेगरी का तो इसको मिलना ही चाहिए, नहीं राइट? नहीं सर, मैं मेरा कुछ दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, पूछिए। अभी उस चीज को छोड़ दीजिए कि वो अलॉट भी हो गए, सब कुछ हो गया, वो हाँ इंटरनल बैकएंड का वर्क है, उसको छोड़ दीजिए। हाँ अभी लेट्स से आप एक थर्ड पर्सन है, आपने वीडियो अपलोड किया, तो अभी और वो ओके ओके सारी चीज ओके, आप 10,000 आपको पॉइंट मिल गए। मिल गया, ठीक अब है। जो ये 10,000 आपको मिला है, हाँ ये लेट से आज ही आप कहते हो कि नहीं, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जैसे ट्वेंटी तो वो जो परसेंट आपका आपने, हाँ ऐप, जस्ट ए मिनट, इसमें जो ऐप रहेगा इस ऐप में के थ्रू यू कैन डू एट योर लेवल, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, व्यक्ति नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर मैं 10,000 आपका रुपीज जो आपको एक काम मिला। करिए, आपका सीएफबी एग्रो ऐप है, राइट? सीएफबी एग्रो ऐप में जो है आपके जो भी जितने भी पॉइंट रिवार्ड पॉइंट है वो आपके वैलेट में चले गए, राइट? ठीक है। ठीक वी आर रिकमेंडिंग यू प्लीज यूज रिवार्ड पॉइंट एज ए रिवार्ड पॉइंट बिकॉज इट इज हैविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द अवेंडेंस। जैसे ही रिवार्ड पॉइंट को आप मनी में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी पुश्ड इनटू द एनवायरमेंट ऑफ द स्केयरसिटी। इसीलिए हम रिडेम्पशन फीस को इवन 20 से 30% बढ़ाने का भी नहीं सोच रहे हैं। सर, जस्ट 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 मैं जस्ट दूसरी चीज, अभी हाँ अभी ठीक है। एक सेकेंड मुझे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहे हैं। अब आपके वैलेट में अज्यूम करिए कि 5 लाख इकट्ठे हो गए, राइट? अब 5 लाख में आपने डिसाइड किया कि आज 1 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आपने 1 लाख रुपए को जो है ना रिडेम्पशन का पॉइंट अपने ही ऐप में दबाया, राइट? ठीक है। आपने जो है ना रिडेम्पशन का वो दबाया आइकॉन, उसमें अपने अपने अमाउंट भर दिया कितना रिडीम करना चाहते हैं, उसमें रिडेम्पशन फीस कट जाएगी, बैलेंस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट बाय द सेम ऐप। तो जो आपके तो अकाउंट सर, में ऐड है, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जैसे अगर जैसे आज की दिस इज डेट में योर आप, डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन। नहीं सर डिसीजन की आप बात नहीं है, मैं दूसरी इसको चीज पूछ रहा हूं। अप्रूवल मैं किसी का पूछ नहीं रहा हूं चाहिए कि इसके लिए, जस्ट ए मिनट। नहीं सर वो नहीं, मैं दूसरी, मेरा क्वेश्चन अलग है। क्या मेरा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि जैसे आपको अभी आज की डेट में आपके पास 10,000 रुपये का वो रिवार्ड पॉइंट पॉइंट है आ गया, आपके पास, करेक्ट? हाँ ठीक। अब आप अपने आप को कोई थर्ड पर्सन समझ लीजिए, हाँ हाँ आपके पास 10,000 रिवार्ड पॉइंट अवेलेबल हैं,
ठीक है, अभी उस आपका मन करता है कि नहीं यार मुझे रिवार्ड पॉइंट से कुछ नहीं है, मुझे 8,000 रुपया लेना है, इसमें से 20% मैंने कटवा दिया और उसने ऐप में भी वो जनरेट कर दिया कि मेरे 8,000 मुझे मिल जाए, ठीक है, नहीं मिल नहीं जाए, तो 8,000 जस्ट ए मिनट, उसका जो है देयर विल बी द ट्रांजैक्शन थ्रू पेमेंट गेटवे, वो आपके सीधे अकाउंट में डिपॉजिट होके आपको कंफर्मेशन मिलता है, अकाउंट में चले गए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो 8,000 रुपए आएंगे कहाँ से, वो 8,000 रुपए कौन बॉडी है, वो नीलकंठ के जो है ना गले से निकल के आएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि वो तो इतनी धन की वर्षा होने वाली है, आप 8,000 बोल रहे हैं, आप 8,00,000 भी दे पाएंगे, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं उसको नहीं समझना को, है ना, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं तो इंटरनल हूँ, मुझे तो समझना पड़ेगा ना, मैं आपको ये बताऊँ, थे जो 30% रिडेम्पशन फीस है ये इकट्ठी हो रही है, राइट, जो सीड मनी है वो इकट्ठी हो रही है, शुरू में जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है किसान को जितना भी एंटाइटलमेंट होगा वी विल आस्क कि आप पूरा का पूरा विड्रॉ करिए और इसके हमारे साथ जमा कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है ना इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू द गवर्नमेंट और टू द बैंक, राइट, तो इस तरीके से वहां सीड मनी इकट्ठी की जाएगी, राइट, सीड मनी के लिए यदि हमें इकट्ठा करने के लिए यदि हमें डोनर्स का हम यूज कर सकते हैं, राइट, हम जो है इसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट भी मांग सकते हैं, राइट, हम उसमें कह सकते हैं कि हम जो है ना आपको उसमें जो है ना इंटरेस्ट आपको 6% 5% मिल रहा है, हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना, अच्छा, सो दे विल बी द रेवेन्यू जनरेशन मॉडल टिल जो है ना वी आर हैविंग अवर ओन मनी, एक बार आपका साइकिल हो गया है तो आपके पास तो इतना पैसा पहुंचने वाला है कि आप उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जी, देखिए कॉस्ट, देखिए रिवार्ड पॉइंट की वर्षा हो रही है, आप रिडीम करेंगे 30% जाएगा, किसमें जा रहा है वो आपको पेमेंट वाले उसमें जिसके है? अभी जैसे आपके पास रिवार्ड पॉइंट है, आपको आपके घर के लिए सामान खरीदना है, ठीक है, तो आप कैसे मतलब आपके पास उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक होगा द थिंग्स विच आर विद इन द इको सिस्टम ऑफ द सीएफबी, राइट, इसका मतलब है कि हम लोगों से ज्वाइंट वेंचर बनाते जाएंगे, हम आई मीन वी कैन हैव द पार्टनरशिप विद द रिटेलर्स आल्सो, राइट, कि आपको हम ये इंसेंटिव देंगे, यू बिकम अवर पार्टनर, राइट, एंड यू एक्सेप्ट अवर रिवार्ड पॉइंट, राइट, रिवार्ड पॉइंट में आपको ये फायदे हैं, ठीक है ना, तो हमारा इकोसिस्टम हर दिन बढ़ता जाएगा, नंबर वन, नंबर टू, स्टेट में अदरवाइज आप रिडीम कराइए, वी आर नॉट बॉदर्ड, आपसे रिडेम्पशन फीस ले ली जाएगी, रिमेनिंग पॉइंट से आपको जो करना है, आप कचरे में डालना हो, खरीदना हो ना खरीदना हो, आप अपने बैंक में यू वॉन्ट टू फील हैप्पी के मेरे पास 10,00,000 रिवार्ड पॉइंट के इकट्ठे हो गए हैं, मैं जो है ना आई एम हैप्पी के 7,00,000 रुपए से 7,00,000 रुपए जो है वो हमारे पास आ जाए, तो आपने 7,00,000 रुपए आप खूब नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, बट यू वॉन्ट टू बी हैप्पी के हमारे बैंक में आ गया है, यू कैन यू विल डू दैट ऑल्सो, वेदर इट हैज टेक, अभी सर इस पूरे सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी एप्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं और कौन सी एप्स हैं जो डेवलप अभी 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 जो है हमारे बच्चों ने जो भी डेवलप किया दैट इज एब्सोल्युटली थर्ड रेट, इसलिए हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के पास चले गए हैं, अभी वी हैव स्टार्टेड हैविंग द डिस्कशन विद देम, सबसे बड़ा जो मॉडल है वो आपका करेंसी जनरेशन का है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी जैसे होती है ना, वही सॉफ्टवेयर इसमें चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इट विल बी अवर ओन सॉफ्टवेयर, हमें जो हम जो है ना, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर तो अपना ही होगा, लेकिन नहीं, नहीं, जो वो अपना लॉजिक वाला होगा ना, उसमें वो वाले जो अभी क्रिप्टो करेंसी के लॉजिक है वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, बट यू कैन से इट विल बी हैविंग ए बैलेट कॉन्सेप्ट, आज का बैलेट पॉइंट आप खरीदते हो तो बैलेट पॉइंट आपको मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग क्रिप्टो करेंसी यू शुड से बैलेट पॉइंट कॉन्सेप्ट, आज भी आप एयरटेल की जैसे मिनट आप कितने ऐसे लोग हैं जिसमें आप पैसा अपना दे देते हो और उनको उनके बैलेट में पैसा आपको मिल जाता है, राइट, चाहे एयरटेल का हो चाहे जो है ना इनका गूगल का हो, बहुत सारे बैलेट चालू हो गए हैं, सो इट विल बी सीएफबी बैलेट, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीएफबी बैलेट वाला कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, क्रिप्टो करेंसी जो है ना इट क्रिएट सम काइंड ऑफ द कंफ्यूजन सम काइंड ऑफ द डाउट इन द माइंड, हम उस शब्द का क्यों यूज करें, बैलेट इज मोर प्रेवलेंट बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन, तो हम उसको सीएफबी बैलेट कहें तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहना चाहते हैं,
नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो बैलेट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, रिडेम्पशन रिडेम्पशन फीस अकेला जो है ना, और नहीं, जो बैक एंड पे तो ये लोग भी वैसे ही उसको सिक्योर करते हैं ना, वो उसको सुपर सिक्योर करना जरूरी है। देखिए, सिक्योरिटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ ए सॉफ्टवेयर वाला, वो सॉफ्टवेयर कंपनी विल हैंडल दैट। आज की डेट में भी तो सिक्योर कर ही रहे हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स, वो आज जितने फीचर्स होंगे उससे ज्यादा फीचर्स में रहेंगे, और हमारे पास तो सीएफबी क्राइम फ्री वाला भी है ना, जो आपको पटक के जो है ना कॉग्निजेंस लेके धड़ल्ले से, वो थानेदार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आप हमारी एफआईआर दर्ज करो। वो सरकार को भी घुटने टिका देगा एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो, मतलब कल के समय में सरकार गिरेगी यदि एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो, क्योंकि किसी ने इस भाषा में सरकार से बात ही नहीं की कि इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब, 70-80% एफआईआर कैसे दर्ज नहीं हो रही है? 356 आपके ऊपर क्यों लागू ना किया जाए? उसी संविधान में 356 लिखा हुआ है ना, जहां से जिसके माध्यम से आप सरकार बने हैं, उस सरकार का उस संविधान का पूरा पालन होना चाहिए ना। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। आज जो है आपकी एफआईआर सिर्फ इसीलिए नहीं लिखी जा रही है, उसके दो कारण है। एक कारण है कि आप एज ए इंडिविजुअल जा रहे हो, राइट, तो आपको हवलदार धोखा दे रहा है, अब कोई जा ही नहीं रहा है, सीएफबी का सॉफ्टवेयर पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उसके मुंह पर मार देगा कि भाई साहब ये मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंदर सेक्शन 35-39 सीआरपीसी और 154(1) में तेरी है, तू अपनी जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, नहीं तो मैं तेरे को पानी पिला दूंगा। तो यदि पहले जो है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट में पानी पिलाएगा 154(3) के तहत, फिर जो है ना 156(3) के तहत, फिर 482 सीआरपीसी के तहत, और फाइनली जो है ना पीआईएल एंड कंटेंट पिटीशन के तहत, राइट। ठीक है, इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पिलाएगा कि भाई साहब डीआई साहब आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो है ना इस पर्टिकुलर केस के एविडेंस दे रहे हैं, और चूंकि सीएफबी के बाद तो जितने भी गड़बड़ जिनमें केस रजिस्टर नहीं होगा वो कहेगा साहब इसने 1000 और नहीं रजिस्टर किए हुए हैं, तो आप इसको पाल रहे हैं क्या, इस दुष्ट को? इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? इज इट क्वेश्चन ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव इनिफिशियंसी? जब वो जब जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खुद घिरेगा तो वो पटक के नहीं मारेगा इनको, थानेदार साहब को तभी तक सस्पेंड नहीं करेगा। आज जो है ऐसा ना करने में उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, राइट। अब इसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन बना के लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जा रहा है। अपोजिशन का मेंबर तो बहुत खुश होगा ना यदि आप पूरा मसाला ही उसको दे देंगे, वो सरकार को घेर पाएगा कि नहीं घेर पाएगा? फिर आप जो है ना पूरा प्रूफ के जो है ना गवर्नर के पास भेजते हैं कि साहब हम मटेरियल दे रहे हैं, आप फेलोर ऑफ कंस्टिट्यूशनल मशीनरी के रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजो। अच्छा, कितनी बार नहीं भेजोगे? जितना डिले करोगे उतना हमारा रिकॉर्ड कंपाइल हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज आपकी एफआईआर से इसलिए दुर्दशा में है क्योंकि आप इंडिविजुअली झगड़ रहे हो। जब आप कहोगे मुझे बताओ देखे कि मेरे पास मुझे तो थाना जाना ही नहीं है, तो शुरू में 1-1 साल दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप ये लोग जो है ना अपनी मोटी खाल दिखाएंगे, लेकिन जब इनको पटक पटक के मारा जाएगा तो इनकी मोटी खाल गायब हो जाएगी। ये तो जो है ना आपसे प्रार्थना करने लगेंगे, भाई साहब आप देखो सीएफबी से जरा रिक्वेस्ट करते हैं, मैं अभी कर रहा हूं ना, मुझे 2 घंटे का समय दे दो ना भैया। आप जो नुएंसेस में बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं ना? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं सर। नहीं, आप ये बात सहमत हो कि नहीं? देखिए, अच्छा, और एट द सेम टाइम हमारा मॉडल जो है वो पुलिस की इतनी मदद करेगा कि पुलिस तो भगवान बन जाएगी। तो अभी पुलिस को हर कोई गाली दे रहा है। कोई भी ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो ये मॉडल उसको उसके लिए तो रामबाण है। नहीं, लेकिन उसको ईमानदारी से ना करने का ऑप्शन आपने छोड़ा है क्या? हाँ, नहीं वो तो है ही है, लेकिन ईमानदार उसको बनाना भी तो एक लड़ाई है ना। मैं बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको बेईमानी करने का ऑप्शन है क्या? नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अपने आप ईमानदार हो जाएगा, और जो ईमानदार नहीं होंगे वो सस्पेंड होंगे, वो डिसमिस होंगे। आप ये बताओ किस डीआईजी की, किस आईजी की, किस एडिशनल डीजी, किस डीजी की औकात है कि विद वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड वो अपनी नौकरी दांव पे लगाएगा? उसके पास खुद के पास क्या जवाब होगा ये बताओ सर। कानून ने इंक्वायरी और रिपोर्ट के लिए कहीं लिखा नहीं है, इंक्वायरी रिपोर्ट इटसेल्फ इज ए रॉन्ग वे, कोई इंक्वायरी नहीं होती पुलिस में। पुलिस के सरकारी आदमी के दिमाग में ये आ गया कि तू गलत करेगा और फंसेगा, तो वो सबसे ईमानदार बन जाएगा।
तो बस यही तो चाह रहे हो ना आपके, नहीं चाह रहे हो ऐसा? यही चाह रहे हैं। तो इसको आप में, इसको रास्ते में आपको कोई दिक्कतें महसूस हो रही है क्या? नहीं, दिक्कतें तो साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। नहीं तो साइकोलॉजी तो आपको, आपको तो कुछ करना ही नहीं, आप तो घर बैठे, आपने तो सीएफबी को बता दिया कि साहब जो है ना सीएफबी मैंने बैठा हुआ वॉलंटियर साइन करके भेज रहा है कि मेरी जिम्मेवारी है 39 CRPC के तहत। बिल्कुल भाई, कुछ धाराओं को छोड़ के जिसमें फरियादी को खुद जाना पड़ेगा, ऐसी धाराएं भी हैं राइट, उन धाराओं को छोड़ के बाकी अधिकांश धाराओं में 39 CRPC इज गुड इनफ टू टेक द केस टू द पुलिस राइट। अब पुलिस जो है ना वो जा रहा, अच्छा दूसरी बात है बैकएंड इंजन डिटेक्शन वाला इंजन जो है ना अपने वॉलंटियर को भेजा रखे जाओ बयान ले आओ भाई तुम इनके, तो जो पुलिस वाला बयान ले रहा है वो एडमिसिबल नहीं है, और जो ये हमारा वॉलंटियर लेगा वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर हम जो है ना उसको पुलिस वाले को सूझ देंगे इन्वेस्टिगेशन लीड कि भैया तू ये इससे ये मांग लो, इससे ये मांग लो, इससे ये मांग लो, यदि कल नहीं मांगेगा तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में ले जाएंगे साले चुती, जब पहले तो तेरे को अपने दिमाग से अकल से सोचना चाहिए था और तूने नहीं सोच पाया, मैंने तेरे को बता दिया, अब तू बता कि तूने ये किया क्यों। देखो मैं आपको बताऊं, वी डू नॉट हैव द सिस्टम टू पुट देम इनटू द प्लेस, इसलिए सब ये जो है ना लाट साहब बन रहे हैं और हम भी चूतिए हैं, उनसे कहते हैं श्रीमान जी FIR लिख दिया है, उससे क्यों नहीं कहते हैं इट इज योर लोकल ऑब्लिगेशन, प्लीज फुलफिल दैट लोकल लीगल ऑब्लिगेशन, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तभी कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि जब आपके पीछे जब आपके पीछे बैकएंड हो तभी आप बोल सकते हैं, वरना तो मार के भगा देता है बेचारे लोग। हमने तो वो पहले होते हैं ना, हमने पहले ही वही कहा है कि आप एज ए विक्टिम उसके पास जा ही नहीं रहे हो, या जा रहे हो तो फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ ले तू, मैं तो वैसे ही आया हूँ अभी सीएफबी का तरह का खर्रा आने वाला है। बिल्कुल नहीं समझे ना, मैं तो वैसे ही आया हूँ तेरे पास राइट जी, तेरे को सुनना हो तो सुनना, सुनना तो सुन, मैं चला जी। तो अभी अभी सर आप मुझे ये बताइए, हाँ। जो हमारा तैयार हो चुका है वो और जो मुझे आप करना मान लीजिए कि जो कुछ भी है वो आधा पुर्दा बेकार सा है, जब हमको रोडवेज मालूम है और आप मिनट जब रॉकेट साइंस आप बना नहीं रहे हो तो जो है ना 1 लाख 2 लाख 5 लाख में सभी सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएंगे, और जब आपके पास धन की कमी नहीं है तो आप 10-5 लाख की चिंता क्यों कर रहे हैं। देखिए अब हमको पहले जो है ना सीएफबी एग्रो मॉडल जमीन पर उतारना है क्योंकि वो हमको धन देगा ना, तब तक हम इसको इंटर्नशिप के बहाने वो करते रहेंगे या टेक्नोलॉजी पार्टनर। अगर हम एग्रो की जो हम बात करें तो उसके लिए हमारा अपना जो भी टीम है उन्होंने कोई जो भी फ्लो चार्ट बनाया वो शेयर किया जो है ना, ये कॉन्सेप्ट अभी जो डाउनलोड हुआ है ये 7 दिन पहले ही डाउनलोड हुआ है राइट। कॉस्मोस का डाउनलोड ही 7 दिन का है, इसकी उम्र मात्र 7 दिन है। ये पूरे कॉन्सेप्ट की उम्र केवल 7 दिन है राइट, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग टू द टेक्नोलॉजी पार्टनर, क्योंकि हम जो है अपने अध पके जो है ना इंटर्न्स और उनके सहारे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बन गए हैं वो सॉफ्टवेयर लेके पी के बैठे हुए हैं लोग। जो हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में 12 स्टेटमेंट पे सॉफ्टवेयर बना के जिनके अप्रूवल अथॉरिटी में था, वो साले टीम पकड़ में नहीं आ रही है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज वो जो है ना अभी तक उनको लाइनअप भी नहीं कर पा रहा है, जबकि उसका कमिटमेंट था, हमने 1-1 लाख रुपए उनको रिवार्ड दिया है। उसमें जो है ना FIR से सब चीजें हैं, ऑटोमेटेड FIR ऑल कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हैं, पड़े हुए हैं। अब क्या करोगे आप, ये कोरोना का बहाना मिल गया, कुछ चीजें लाइनअप ही नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहना है कि कोड लिखना कोई बहुत बड़ा काम है, नंबर वन। नंबर टू, आजकल नो कोड प्लेटफॉर्म आ गए हैं, 2 मिनट में आपसे फ्लो समझ लेंगे, 2 मिनट में जो ना सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा। आप उनको जो ना 5 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए दे दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूल। उनको जो है ना उसकी 10% 20% मेंटेनेंस कॉस्ट दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। देखो यदि तुम प्रॉब्लम में रहना चाहते हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और तुम यदि सोल्यूशन में रहना चाहते हो तो समाधान ही समाधान है। मैथिली शरण इज रिफ्यूजिंग टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम आती है उसके साथ ही सॉल्यूशन पैदा हो जाता है, और वो भी कॉस्मोस से आता है। जब मैं रात में सोता हूँ तो रात में वो रिसाला रिफाइन हो जाता है, कह रही तुमने ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं, ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं, ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं।
अभी आई एम हैविंग द फुल रेवेन्यू मॉडल इन माय माइंड, जो हम टेक्नोलॉजी पार्टनर को बताएंगे कि उसकी क्या न्यूएंसेस, देयर विल बी एन नंबर ऑफ द न्यूएंसेस इन दैट, इट विल बी चेंजिंग द गेम ऑफ लॉक. हम वही तो कह रहे हैं, स्केर्सिटी से अबंडेंस में जा रहा है, पेड़ अपने आप लग रहे हैं, शहद अपने आप पैदा हो रही है, सीरियल पैदा हो रहा है अमृत तुल, आपका जो है ना केमिकल गायब हो जा रहा है, आपकी अमृत तुल चीजें आपको आज से सस्ते रेट पे मिलेंगी. आप आज आपको जो है रिटेलर एंड पे तो 2 or 3 MSP के ऊपर ही पे कर रहा है ना वो, तो उसको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है यदि वो रिवार्ड पॉइंट से खरीदेगा. तो यदि अपन माने कि यदि उसने 2 MSP पे खरीदा तो उसको 1.8 MSP ही लग रहा है, वो भी उसके अपने घर पे विद द गारंटी ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस के वो बटन दबाएगा. और हम चाहते हैं खूब बटन दबाओ, क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है जितने बटन दबेंगे उतना भी तो उसको रेवेन्यू मिलेगी, तो रेवेन्यू भी नहीं मिलेगी उसको बेचारे को, दुबला पतला हो जाएगा यदि कोई बटन नहीं दबाएगा तो. बिल्कुल, मतलब यदि जो है क्वालिटी एश्योरेंस टीम तो जब जाएगी ना, जब उसको कंज्यूमर कहेगा कि मुझे डाउट है, राइट जी, तो जब वो बटन दबाएगा तो टीम पहुंचेगी तो उसे रेवेन्यू फ्लो होगा. अब अज्यूम करिए यदि किसी भी कंज्यूमर ने बटन नहीं दबाया तो वो तो भूखी मर जाएगी, हमें अगर उसको कुछ मिनिमम जो है ना रिवार्ड पॉइंट का गारंटी करना पड़ेगा कि भैया तेरी गलती नहीं है, तू तो बैठा हुआ है जाने के लिए, अब किसी ने बटन ही नहीं दबाया तो क्या करोगे आप, समझ रहे ना. बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि इसमें एक पूरा प्रेजेंटेशन आप बनाओ, और प्रेजेंटेशन 3 फॉर्मेट में रहेगा. पहला है योर असेसमेंट अबाउट द होल स्कीम, राइट, तो आपको अपनी भाषा में पूरे स्कीम को एक्सप्लेन करना है, राइट, क्लियर. जब आप एक्सप्लेन कर जाओगे तो उसमें जो गैप होगा, जो मुझे लगेगा कि आप कवर नहीं कर पाए हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन के बाद हम कवर करेंगे. पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे, इसमें हम अपनी भी एक कमी को दूर करेंगे, कि जनरली मैं देखता हूं कि सामने वाला जब पूरा ठीक नहीं बोलता है तो मैं बीच में कूद पड़ता हूं, तो मैं अपनी इस टेंडेंसी पे अंकुश लगाऊंगा, राइट, मैं सामने वाले को पूरा बोलने दूंगा और पॉइंट लिखता जाऊंगा, और फिर 1, 2, 3 करके हम जो ये भी जरूरी है, है? ये भी जरूरी है. हाँ, तो उसके बाद हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे. फिर उसको जो सेकंड पार्ट रहेगा, द सेकंड पार्ट इज योर कंसर्न्स एंड द क्वेरीज, राइट. पहले में आप क्वेरी नहीं पूछ रहे हैं, पहले तो आप सिर्फ इतना ही बता रहे हो कि आपने क्या समझा. तो कंसर्न एंड क्वेरी आपको पहले में रेज करना नहीं पड़ेगा, पहले यू हैव टू एक्सप्लेन माई मॉडल इन योर वर्ड, राइट. उससे क्या फायदा रहेगा कि अभी क्या हो रहा है, मैं अपने मॉडल को बार बार कहता हूं तो एक ही भाषा में कहता हूं, तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग भाषा में कहेगा, राइट. तो इसमें एक तो वो खत्म हो जाएगी, और हमारी जो है ना टेक्निकल टीम जो है वो इसको 3 भागों में काट देगी अलग अलग, तो वो वीडियो की साइज कम हो जाएगी, राइट. तो अभी जो लोग 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख पाते, 1 घंटे का वीडियो नहीं देख पाते, वो 10 या 15 मिनट का आराम से देख लेंगे, और जब उनको लगेगा धन की वर्षा हो रही है तो आप 5 घंटे का भी बनाओगे तो भी देखेंगे बाद में तो. क्योंकि देखिए धन की वर्षा हो रही है तो फिर आप तो लाइन लगाते हो ना, 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हो. बिल्कुल, इसमें तो अपने घर में सिर्फ अपना वीडियो देख रहे हैं ईयरफोन लगा के, सुन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है. बिल्कुल, अच्छा, तो सेकंड पोर्शन इज अबाउट द कंसर्न्स एंड क्वेरीज. तो आप उसमें कंसर्न भी कर सकते हो कि हमारा भाई ये चिंता का विषय है, आपने ध्यान दे लिया कि नहीं दे लिया, राइट, और क्वेरीज, राइट, दैट इज द पार्ट 2. एंड पार्ट 3 इज योर रिकमेंडेशन फॉर रिफाइनमेंट. ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आप बना लीजिए, जैसे आप रेडी होते हैं तो यू विल बी एंटाइटल फॉर 5,000 रुपीज रिवार्ड पॉइंट आल्सो, क्योंकि मैं उसको, अच्छा, हमारा जो टेक टीम है दे विल बी इशूइंग अ फॉर्मल अप्रिसिएशन अलोंग विद दैट रिवार्ड पॉइंट, हाउ इट विल बी इन कैश एवरीथिंग, एंड इट विल ओनली बी इन कैश जब हमारा जो है वो चालू जो ऐप हवा में आ जाएगा, क्योंकि आप उसकी जो रिडेम्पशन है इट इज पॉसिबल थ्रू दैट ऐप ओनली, और आपका उस बैलेट से आपका अकाउंट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहेगा, तो आप बटन दबाओगे तो पॉइंट वहां से वहां फ्लो होना है, कोई इशू ही नहीं है. बाकी हमारा टाइप बैंक वगैरह से रहेगा, और एज वी विल ग्रो वी विल हैव द टाइप विद द क्रेडिट कार्ड एंड अदर थिंग्स अदर पीपल आल्सो, पेटीएम, एटीएम, सभी लोग जो है ना, क्योंकि वी विल बी देन
सभी चीजों पे फैल जाएगा क्राइम फ्री भारत आगे जाके, क्योंकि उसे वो अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा ना। तो मतलब आप ये सोचिए कि आपको जिस चीज की भी जरूरत है आज से 4 साल बाद वो सब चीज आपको रिवार्ड पॉइंट से परचेजेबल होगी, आपको उसको रिडीम कराना ही नहीं पड़ेगा। और रिडीम ना कराने में आपको फायदा है, ठीक है ना, और रिडीम ना कराने में हमें बहुत फायदा है, क्योंकि जब तक वो रिडीम नहीं हो रहा है तब तक इट इज बेसिकली इन अवंडेंस, राइट। जैसे ही आप रिडीम कराएंगे तो हमारे खाते में उतना पैसा देने के लिए आपके पास होना चाहिए ना जी। तो हमें फिर वो बहुत सारे जुगाड़ लगाना पड़ेंगे, जैसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट वाले जाते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे पास रिडेम्पशन के लिए, बाद में तो ये करोड़ों पैदा करेगा, क्यों चिंता करते हैं आप। एंड पीपल कैन सी इट के जो है ना करोड़ों पैदा हो रहे हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो पीपल आई थिंक डोंट माइंड, यदि उनका यदि उनकी मनी ग्रो हो रही है और आप उसको थोड़ा सा हेफ्टी रख दोगे शुरू में, सो दैट यू शुड गेट इनिशियल रिवार्ड पॉइंट। और रिडेम्पशन फीस हम 20% से बढ़ा के 30% करने के मूड में है, राइट। सो दैट वी वांट कि भैया तुम जो है जब तक मजबूरी ना हो तब तक रिडेम्पशन मत कराना। और आप क्यों रिडेम्पशन करा रहे हैं जब हम बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपके जो है ना रिवार्ड पॉइंट को भी ग्रो कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ए फिक्स्ड रिवार्ड पॉइंट, इट इज ग्रोइंग रिवार्ड पॉइंट। द ओनली थिंग यू हैव टू इन्वेस्ट एज ए फिक्स्ड इज विद अस, राइट। यदि वो लूज रखोगे तो जो है ना तो जो आपका सेविंग अकाउंट वाला है इंटरेस्ट दे देंगे उस पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई अल्टीमेटली यदि सीएफबी के यदि आपने पॉइंट नहीं किया तो उसको हल्का सा इंटरेस्ट मिल जाए तो क्या बुराई है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हाउ डू यू फील अबाउट होल थिंग? सर सब कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा होने लायक तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो काम करने के पीछे जो नियत है वो बुरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी तो वहीं से शुरू होती है ना। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि इसको आप एक प्रॉफिटेबल कमाने की सोच से, आपने सोच वो नहीं रखी, आपने सोच रखी है एक तरह से सोशल वर्क की। तो उसमें जो जनरेट हो रहा है वो सेल्फ जनरेशन है, एक सिस्टम जनरेट कर रहा है। उसमें सोच ये रखी गई है कि जितने भी लोग हैं वो सारे सब मतलब अर्नर्स हैं। अगर यहाँ पे ये रखा जाता कि नहीं मैं अर्न कर लूँ सबसे तो उसमें नेगेटिविटी भी निकलती। तो अभी तक तो सारा कुछ ठीक है, बशर्ते कि वो ग्राउंड पे किस लेवल का आएगा वो फैक्टर है। नहीं आपको सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी लग रहे हैं क्या? ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ नहीं, सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है। नहीं नहीं सर, बड़ी चीज नहीं, बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जितने भी आप देख रहे हैं ना जो मार्केट में वॉलेट्स हैं या जितनी भी चीजें हैं इनके पीछे बहुत ही हैवी बैकएंड है। मतलब उसको मेंटेन करना कोई इतना आसान नहीं है कि हम ऐसे ही बोल दें कि बन गया। और सॉफ्टवेयर बना देना काफी नहीं है। अब चाहे आप जैसे पेटीएम है या दूसरे जो भी वॉलेट्स हैं तो उसको जो ना पेटीएम को अपना प्रमोशन करना पड़ रहा है। अपन को तो कोई प्रमोशन नहीं करना है ना। नहीं नहीं, प्रमोशन की जरूरत नहीं सर, मैं उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमें उसको ना बहुत सिक्योर रखना भी होता है। क्योंकि जितना जो भी चीजें आप करते हैं जो दूसरों का दिमाग वो पहले शुरू हो जाता है नेगेटिव वालों का। और नहीं नहीं सर, वो तो है, वो मैं मानता हूँ, मेरे पास डंडा है बहुत मोटा मारने के लिए। लेकिन वो डंडा तो तब उसे पता चलेगा जब उसके सर पे पड़ेगा। जब तक उसको पड़ेगा नहीं तब तक तो वो मेरे लिए भी टेंशन है ना। अब एक तो डंडा पड़ेगा और आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए और इसके ऊपर वो फॉर्मल 3 पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाइए जिसको अपन उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की भी सूची बनाइए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी जिनसे भी बात हो रही है ना वो सारा ही बात आके चल जाती है कि भाई हाँ जो फंड है वो हमें कैसे मिलने वाला है पैसे। तो नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं पहले तुम प्रेजेंटेशन दो, हम आपके कंसर्न पे जो है जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तब हाँ, आपको करेंगे। तो आपको तो प्रेजेंटेशन का भी पैसा दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे जो बार बार समझना चाह रहा हूँ
कि मुझे अभी जैसे हमें जैसे एक सेक्शन है, एक हमें सेक्शन है हम उल्टा कह रहे हैं। देखिए जो टेक्नोलॉजी वाला है ठीक है ना, अज्यूम करिए कि अपन उसके जो भी कंसर्न है और अपन उसके साथ वी आर नॉट प्रोसीडिंग, लेकिन तो उससे तो प्रेजेंटेशन का भी पैसा दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? भाई नहीं समझे ना, यदि हमें आपकी बात और आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी तो टाटा बाय बाय, प्रेजेंटेशन तो दे दो जी, प्रेजेंटेशन तो 10,000 मिलेंगे ना तुमको, और यदि फाइनल हो गया तो और भी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, एंड वी कैन नेगोशिएट ऑन दैट। क्योंकि इसमें जो बाकी के मॉडल्स हैं उसकी अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सब में जो है ना टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं रहता है, उसमें प्रॉब्लम होता है क्लाइंटेल का, या क्लाइंटेल तो आपको देखना ही नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको मैं देखता हूँ। हाँ इसमें देखो ऐसा मत जाओ, डोंट डू दैट वे, मेरी सजेशन ये है कि इसमें सूची बनाओ, उनके नंबर देखो राइट, उनको जो है ना कंपनियों को आइडेंटिफाई करो, देन जो है ना उन टॉक टू देम, फिर उन्हें जो है ना यू कैन हैव फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन विद मी, देन दे हैव टू कम विद अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, इन्हीं तीन भाषाओं में रहेगा ठीक है ना। इवन टेक्नोलॉजी पार्टनर कैन ऑल्सो से कि दिस आर माई रिकमेंडेशन फॉर रिफाइनमेंट ऑफ योर मॉडल राइट, जो तीन हमने आपको बताया है दे विल बी वैलिड फॉर देम ऑल्सो, तो पहले तो उन्हें बताना है कि उन्होंने हमारा मॉडल समझ लिया है कि नहीं समझ लिया है राइट, that will give me opportunity to explain from their perspective, then they will be in position to show their concerns and queries, third jo na they can suggest some improvement based on their experience, ye unko 10,000 rupaye tab bhi milna hai jab hum unka wo product nahi khareedte hain, to unke haath mein kya ja raha hai, wo to वैसे भी झोला लेके सबको बताते घूमते फिरते हैं, उसके लिए सामने वाला उनको पैसा भी नहीं देता है, हम तो उल्टा टाइम भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मेरा सोचना ये है कि अपन को हर फील्ड के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें जिससे कि सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे जूम करिए ज्वाइंट वेंचर के वालों को खोजने के लिए हर उसके वी हैव सेट की जो है ना जो भी लाएगा एबीसीटी कैटेगरी का उसको ये पैसा मिलेगा, तो आपने जैसे 10 लोगों से बात की तो आपके LIC जैसी स्कीम जैसा हो गया ना। आपने प्रेजेंटेशन किया, फार्मर्स को बताया, फार्मर्स के तो सब लाभ की चीजें हैं राइट, मतलब 1 MSP विद द 0 cost मिल रहा है, आपको लेबर की भी चिंता नहीं पालना है और अपने मैनेजर बनने के लिए भी आपको पैसा मिल रहा है, तो इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और मार्केटिंग की चिंता आपको नहीं करना है और आपको तो खेती की चिंता भी नहीं करना है, क्योंकि नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द फील्ड मैनेजर राइट, केवल उसमें यही रखा है कि आप इतने तैयार होना चाहिए कि CFB के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर गुड इनफ टू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज आपके फील्ड में ओनर होते हुए भी CFB मैनेजर वुड बी समबडी एल्स, क्योंकि हम आपको समझाने में एनर्जी खर्च नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप तो वही चूतियापा करोगे, तो वो चूतियापा करने का आपको हक नहीं है, जब आपको हम सब कुछ दे रहे हैं तो चूतियापा क्यों करोगे आप? बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आप पूरा समझो एंड देन वी विल ट्राई कि मैं जो है बनाता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के एक बार करके फिर आपको बताता हूँ सब, और अपना वो टास्किंग चालू करो कि सिंस यू आर नॉट ए नॉर्मल प्रेजेंटर राइट, यू आर ए पर्सन जिसको जो है ना यू हैव टू प्ले ए की रोल ऑल्सो राइट, तो उन कंपनियों के नाम लिखना चालू करो, सर्च करो उनको, फिर उनसे बात करो राइट, दे कैन सबमिट देयर प्रपोजल, यदि हम उनको प्रपोजल से इम्प्रेस होते हैं और प्रेजेंटेशन देने का उनको मौका देते हैं तो दे विल गेट द मनी फॉर दैट ऑल्सो, उनके पिताजी का तो कुछ जा नहीं रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ठीक है सर। तो मुझे इसको कंसर्न भी आप कहो, वी विल, अच्छा देखिए जितने इसमें कंसर्न आएंगे सिंस वी आर द डिजाइनर ऑफ द मॉडल राइट, जो मुझे समझ में नहीं आएगा उसको हम कॉस्मोस को सौंप देंगे, रात के डाउनलोड में उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली टेंशन फ्री। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितना समय लगेगा इसको करने में?
सब थोड़ा समय तो लगेगा नहीं नहीं नहीं, यू टेक योर टाइम, जस्ट हम पूछ रहे हैं। हाँ, रूटीन से टाइम निकाल के और इस तरह की चीज में तो थोड़ा बैठ के मतलब हाँ, ये तो मेक ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड आपके कंसर्न में हर तरीके के कंसर्न आ जाना चाहिए, लीगल कंसर्न, ये कंसर्न, टेक्नोलॉजिकल कंसर्न, सब कंसर्न आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उससे क्या रहेगा कि यदि मान लो कोई ऐसा कंसर्न सामने आता है जिसमें हमारा ध्यान नहीं गया है, तो इमीडिएटली वी विल पुट अ टीम टू डिवाइस द आंसर फॉर दैट, इमीडिएटली वी विल हैंड इट ओवर टू द कॉस्मोस टू गिव द सॉल्यूशन। जब और जब कॉस्मोस जो है ना सुबह तक सॉल्यूशन दे देगा, तो चिंता किस बात की है? नहीं ठीक है, नहीं मैं बनाता हूँ सर। चलिए चलिए, राइट राइट विकास है ना, राइट, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।